द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कांग्रेस पार्टी ने आज एक जघन्य कृत्य किया है। उन्होंने संविधान पर कुठाराघात किया है। दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये संविधान के सर्वोच्च पद के ऊपर आक्रमण है। एक महिला जिन्होंने संघर्षमय जीवन व्यतीत किया और आज एक महिला राष्ट्रपति है, व्हाटएवर अधीररंजन चौधरी हैज सेड, जो अधीररंजन चौधरी जी ने कहा है, ये महिला के सम्मान के खिलाफ है, एंटी वुमन। ये महिलाओं के सम्मान के लिए, मैं देख रहा हूं कई महिलाएं पत्रकार यहां बैठी हैं, अपने संघर्ष से वे ऊपर आई, और महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना ये महिलाओं के ऊपर कुठाराघात है। और चूंकि वो एक आदिवासी महिला है, 75 वर्ष के पश्चात एक आदिवासी देश का पहला नागरिक बन रहा है और पहली बार बन रहा है, दिस इज एंटी ट्राइबल। जिस प्रकार का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता दे रहे हैं राष्ट्रपत्नी कह के, ये आदिवासियों के मानस के विरोध, आदिवासियों पे कुठाराघात है। दिस इज एंटी ट्राइबल स्टेटमेंट। एक ट्राइबल अगर राष्ट्रपति बनता है तो कांग्रेस पार्टी उसे सह नहीं सकती, इस प्रकार का स्टेटमेंट देती है। एंड दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक। ये लोकतंत्र के मूल भावनाओं के विरोध में, लोकतंत्र का जो मूल भावना है सबके प्रति सम्मान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान रखना, दिस इज एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट ऑफ अधीररंजन चौधरी। को लेकर मैं आपके सामने आज बैठा हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वह विषय है हर घर तिरंगा प्रयोजन का, हर घर तिरंगा अभियान का। उस विषय को लेकर आज मैं हिमाचल प्रदेश आया। हिमाचल प्रदेश में आज मल्टी लेयर्ड मीटिंग, संगठन की बैठक, बहुत सारे हमारे जो इकाइयां संगठन की है उनके साथ आज बैठकें हुई हैं, और किस प्रकार से इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा उस पर चर्चा हुई है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आने वाला एक कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं यह जो 15 अगस्त आने वाले माह में आने वाला है, यह 15 अगस्त कोई साधारण 15 अगस्त नहीं है, जैसे हम विगत वर्षों में 15 अगस्त मनाते थे, उससे इसका ज़्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष 75वां वर्षगांठ पूरा कर रहा है अपनी स्वाधीनता का, अपनी आज़ादी का। तो यह जो 15 अगस्त है यह उत्सव के माहौल के साथ आएगा, और आने वाला एक वर्ष 15 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2023 का जो कालखंड होगा, जो कालावधि होगी, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा, और हर घर तिरंगा अभियान इसका एक तरह से आरंभ है, एक तरह से शंखनाद है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।